हेलो एवरीवन, माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, माय डियर सीएमए फ्रेटर्निटी, इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती जो आप सब तक हो सकता है पहुंच गई हो, लेकिन मैं अपने साथ सबूत के रूप में ट्वीट जो कि एक्स से लेकर आए हैं हम, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। शिफ्टिंग हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीएमए आई फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। दोस्तों, ये शिफ्टिंग हुई नहीं, लेकिन हाँ, एक पहला और बहुत बड़ा कदम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने उठाया है इसको लेकर। वहाँ पर क्या डिसाइड हुआ, ये देखते हैं। वहाँ पर ये डिसाइड हुआ, अहमदाबाद में मीटिंग हुआ, 349th मीटिंग डेटेड October 27, 2023 इन अहमदाबाद। दे डिसाइडेड टू पास अ रेजोल्यूशन टू कॉल फॉर अ रेफरेंडम। समझते हैं आप रेफरेंडम, मतलब समझते ही होंगे। रेफरेंडम का मतलब है कि जितनी भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स की फ्रेटर्निटी है, सब लोग अपना राय, अपने व्यू, अपना पार्टिसिपेशन सिक्योर करेंगे। सभी कॉस्ट अकाउंटेंट्स और जितनी भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स की अपनी फैमिली है, वो सब इसमें एक प्रकार से अपनी राय देकर वोटिंग करेगी। अब उसका प्रोसेस क्या होगा, रेफरेंडम किस तरह से लिया जाएगा, वो सब कुछ धीरे धीरे हमें पता चलता रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये कदम उठा। दोस्तों, इसके बहुत फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा मुझे लगता है सिस्टमैटिक चीज़ें। जब दिल्ली में आप होते हैं, जब आप हेडक्वार्टर को दिल्ली में शिफ्ट करते हैं, तो थोड़ा सा प्रोसेस आपका इम्प्रूव इस वजह से हो सकता है क्योंकि आप सेंटर पॉइंट पर हैं। यहाँ पर कोई ग्लिच नहीं आने वाला, कोई ऐसी टेंशन नहीं होने वाली जैसी पिछले कई सालों में हमने कई बार देखी। एग्जाम्स हों, एग्जाम्स की डेट्स हों, रिजल्ट हों, करिकुलम हो, बहुत सब कुछ स्मूथ चलेगा, स्ट्रीमलाइन चलेगा। ये मेरे विचार हैं। दूसरा बहुत बड़ा फायदा जो आपको मिलने वाला है, वो है प्लेसमेंट्स को लेकर। भाई, जब आप राजधानी में होते हैं, जब आप सेंटर पॉइंट पर होते हैं, जब आप इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी में होते हैं, वैसे कोलकाता भी इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी है, लेकिन फर्क है, जब आप राजधानी में होते हैं तो आपके पास अवसर ज़्यादा होते हैं, आपके पास मौके ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर प्लेसमेंट्स की कंपनीज को बुलाना, उनको सेटल कराना और ईजी रहेगा इंस्टीट्यूट के लिए, तो आपको प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़त दिखने वाली है। तीसरा एक और बहुत बड़ा एडवांटेज कि हमारे देश के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, जो सीएमए इंस्टीट्यूट को आगे ले जाने में हमारी मदद कर सकते हैं, वो सब दिल्ली में ज़्यादा जल्दी हमसे जुड़ पाएंगे। आज भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है सीएमए को लेकर के। हम सब जानते हैं कि सीएमए कितना बढ़िया कोर्स है, कितना क्वालिटी एजुकेशन है और कितना अच्छा पे बैक है इस कोर्स का। कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट वाला ये कोर्स है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को आज भी इसकी जानकारी नहीं होती। इसलिए जब अभी दिल्ली में शिफ्ट होगा तो इसकी अवेयरनेस बहुत अच्छे से होगी और उस अवेयरनेस का लाभ स्टूडेंट्स को, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, बहुत अच्छे से मिलेगा। अगला बड़ा फायदा दोस्तों मुझे लगता है कि प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स को मिलेगा। प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट बड़ी अच्छे से और आसानी से दिल्ली हेडक्वार्टर को अप्रोच कर पाएंगे। एक सपोर्ट सिस्टम होता है दोस्तों, एक इकोसिस्टम होता है दोस्तों, वो डेवलप हो पाएगा और वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा। एक और बहुत अच्छी बात आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि अभी तो ये रेफरेंडम है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्स आ जाएगा। उसके साथ एक और बहुत बढ़िया जो होने वाली है चीज, वो है इंटरनेशनलिज्म, ग्लोबलाइज्ड करिकुलम। ग्लोबलाइज्ड के नाम पर करिकुलम वेबसाइट पर कई बार शो हुआ, कई बार ये बातें हुई कि इंस्टीट्यूट की तरफ से जो करिकुलम लॉन्च हुआ है वो ग्लोबल है, जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो ग्लोबल हैं, वो इंटरनेशनल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली हेडक्वार्टर आने के बाद ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम ग्लोबल हो पाएंगे। भाई, पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कई चैप्टर्स हैं, कई ब्रांचेस हैं, लेकिन उनमें उतना एक्टिविज्म नहीं है जितना होना चाहिए था। तो अब जब हम राजधानी में रहेंगे, जब हम दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत का भी एक सपोर्ट सिस्टम हमें मिलेगा और इंटरनेशनल करिकुलम होने के साथ साथ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी हम सबको मिलेंगी। दोस्तों, मुझे लगा कि ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये न्यूज़ हो सकता है आपको बाकी जगह से पहले दिख चुकी हो, मिल चुकी हो, लेकिन ये जो एडवांटेजियस आस्पेक्ट थे, मैं वो बताना चाहता था आपको। होता पता है क्या है कि हेडक्वार्टर किसी भी इंस्टीट्यूट का कहीं पर भी हो, लेकिन वो जो सिस्टम डेवलपमेंट का इशू होता है, कोई भी मान लो किसी भी एरिया में कहीं भी प्रॉब्लम आती है किसी के लिए भी, तो ज्योग्राफिकली दिल्ली ठीक है, ज्योग्राफिकली सेंटर पॉइंट पर दिल्ली ठीक है, कनेक्टिविटी के हिसाब से दिल्ली ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्टेज जो मिलता है सबको, वो दिल्ली में ज़्यादा अच्छे और आसानी से मिल सकता है। दिस इज आवर ओपिनियन ऑन द एडवांटेजेस ऑफ दिस शिफ्टिंग। हो सकता है कि ये थोड़ा समय ले, हो सकता है कि ये लंबा समय ले,
लेकिन हम बढ़ चुके इस कदम पर, हम इस तरह रास्ते पे चल चुके, ये बहुत अच्छी बात है। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबॉडी इन द CMA फ्रेटर्निटी, आई वुड लाइक टू थैंक द इंस्टीट्यूट, आई वुड लाइक टू थैंक द काउंसिल मेंबर्स, रीजनल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल फॉर टेकिंग दिस स्टेप, थैंक यू सो मच। एंड एट लास्ट आई वुड से हैप्पी CMA, हैप्पी COC, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA CMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hey, this is Kovan Mishra of class 11. I am Mishra. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA intermediate. Yeah, from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Pondicherry. I have purchased my CMA intermediate classes from CAC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA final. मैंने YouTube पर पहली बार मित्र सर के क्लास देखी, उनकी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूं तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी तगड़ा आंसर टू माय कंसर्न्स। थैंक्स टू COC माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।